मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें बताए थे कि तीन प्रकार के होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आज के हम इस वीडियो में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में देखेंगे। देखते हैं इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री मींस पहले, फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आप देखते हैं द इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है उसे प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दे इंक्लूड टू प्रोसेस, इसमें दो प्रोसेस भाग लेते हैं, एक है गैमिटोजेनेसिस, दूसरा है गैमिट ट्रांसफर। फर्स्ट जो है गैमिटोजेनेसिस, गैमिटो मीन्स गैमिट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी गैमिट का निर्माण होना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। गैमिट बनने की विधि को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट्स आर हैप्लोइड सेल। गैमिट जो है यह हैप्लोइड सेल है। हैप्लोइड सेल का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। जैसे समझने के लिए बता रहे हैं कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें अगर क्रोमोजोम की संख्या 20 है तो उसके गैमिट में क्रोमोजोम की संख्या जो है 10 होंगे। इन एनिमल्स द मेल गैमिट इज कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, एंड द फीमेल गैमिट इज कॉल्ड द एग और ओवम। एनिमल के केस में मेल गैमिट को जो है स्पर्म या एंथ्रोजॉइड कहते हैं, जबकि फीमेल गैमिट को एग या ओवम कहते हैं। टाइप्स ऑफ गैमिट की बात करें तो यह जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमिट, दो प्रकार के गैमिट्स होते हैं। होमोगैमिट्स, इसे आइसोगैमिट्स के नाम से भी जानते हैं, और बी जो है हेटरोगैमिट्स। यहाँ हम देखते हैं यह जो है होमोगैमिट्स, होमोगैमिट जो है जिसे आइसोगैमिट्स भी कहते हैं। होमो मीन्स होता है सेम, गैमिट्स मीन्स गैमिट, और आइसो मीन्स भी क्या होता है सेम। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर सिमिलर इन साइज बट डिफरेंट इन फंक्शन दे नोन एज होमोगैमिट्स। जब मेल और फीमेल दोनों गैमिट्स क्या होते हैं, समान होते हैं आकार में, तो उसे होमोगैमिट्स कहते हैं। ये गैमिट जो होते हैं आकार में समान होते हैं, लेकिन फंक्शन में जो है एक मेल गैमिट की तरह काम करता है और दूसरा फीमेल गैमिट की तरह काम करता है। इन दिस केस बोथ गैमिट्स आर मोटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेजिला। ये दोनों गैमिट जो होते हैं यह मोटाइल होते हैं क्योंकि इसमें फ्लेजिला पाए जाते हैं, और इस तरह के जो है गैमिट जो है अलगी फंजाई इसमें देखने को मिलता है। ये क्लेडोफोरा जो है यह एक ग्रीन अलगी है, और इसमें होमो टाइप्स गैमिट्स का निर्माण होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर एग्जाम डायग्राम के द्वारा दिखलाए हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों गैमिट जो है एक समान की है साइज में, और इसमें जो है फ्लेजिला पाए जाते हैं, और इसी फ्लेजिला के कारण ये दोनों गैमिट जो हैं वह गति करते हैं। वहीं हेट्रोगैमिट की बात करें तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, गैमिट्स में गैमिट। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर डिसिमिलर इन साइज देन नोन एज हेट्रोगैमिट्स। जब मेल और फीमेल गैमिट जो है वह डिसिमिलर साइज के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, तो उसे हेट्रोगैमिट्स कहते हैं। इट इज टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एन आइसोगैमिट्स गैमिट्स एंड ऊ गैमिट्स। एन आइसोगैमिट्स कहते हैं, इन दिस केस बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर मोटाइल ड्यू टू बट मेल गैमिट इज स्मॉलर देन फीमेल गैमिट्स। इसमें जो है मेल और फीमेल
गैमेट जो है वो मोटाइल होते हैं, लेकिन मेल गैमेट जो है वह छोटा होता है फीमेल गैमेट की अपेक्षा। और इस तरह के गैमेट जो है यह अलगी जो शैवाल है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो है कि यह जो है यहाँ जो है यह मेल फीमेल गैमेट्स है जो कि साइज में क्या है बड़ा है, इसमें भी फ्लैजेला पाए जाते हैं, और मेल गैमेट क्या है छोटा है और इसमें भी फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो ये दोनों गैमेट जो है डिफरेंट साइज में है, अलग अलग साइज में है, और दोनों को दोनों गैमेट मोटाइल है। यह क्या है आयन आइसो गैमेट्स कहलाता है। नेक्स्ट टाइप जो है वह है ऊ गैमेट्स। इन दिस केस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज, बट मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल वाइल फीमेल गैमेट इज बिग एंड नॉन मोटाइल। इस प्रकार इस केस में देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट जो है डिसिमिलर साइज में होते हैं, डैट मीन्स अलग अलग साइज में होते हैं, बट मेल गैमेट इज स्मॉल, इसके मेल गैमेट जो होते हैं छोटा होता है एंड मोटाइल होता है, वाइल फीमेल गैमेट इज बिग एंड नॉन मोटाइल, जबकि फीमेल गैमेट जो है बिग होते हैं बड़ा होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, डैट मीन्स ये गति नहीं करते हैं। तो ऊ गैमेट्स में जो है इसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट जो है डिफरेंट साइज के होते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट जो है वह साइज में बड़ा होता है और इसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं, इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि मेल गैमेट जो होता है वह साइज में क्या होता है छोटा होता है और इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं मोटाइल होते हैं। डैट मीन्स इस केस में फीमेल गैमेट जो है इनएक्टिव होते हैं और मेल गैमेट जो है एक्टिव होते हैं। और इस यह जो है गैमेटोजेनेसिस का जो एडवांस टाइप है जिसमें जो है कुछ एडवांस अलगी है उसमें देखने को मिलता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में इस तरह के गैमेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं यह जो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो इसमें कुछ टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। इन अलगी एंड फंजाई, अलगी में शैवाल, फंजाई में कवक होता है, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम वाइल फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ओनियम। अलगी और फंजाई के केस में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को जो है ओनियम कहते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट इसमें इन ब्रायोफाइटा एंड टेरोफाइटा मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम वाइल फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। यह ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा जो कि प्लांट्स हैं इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन फ्लावरिंग प्लांट स्टामिन इज द मेल पार्ट वाइल कार्पेल इज द फीमेल पार्ट। यह फ्लावरिंग प्लांट्स में फूल देने वाले पौधे में जो है मेल पार्ट को स्टामेन कहते हैं जबकि फीमेल पार्ट को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन एनिमल्स टेस्टिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन वाइल ओवरी इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। एनिमल के केस में देखते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन को टेस्टिस है जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वह ओवरी है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है वह होमोथैलिक या मोनोइसियस। होमोथैलिक, होमो मीन्स होता है सेम, थैलिक मीन्स थैलस बॉडी, या फिर मोनोइसियस, मोनो मीन्स एक, इसियस मीन्स बॉडी। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड ऑन द सेम थैलस। होमोथैलिक या मोनोइसियस का मतलब है कि इस केस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही बॉडी पर पाए जाते हैं। इस तरह के जो है जैसे अलगी है, फंजाई है, या हायर प्लांट की हम बात करें तो इसमें जो है चाइना रोज ये भी आते हैं जो कि मोनोइसियस प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वह हेट्रोथैलिक या डायोसियस। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, थैलिक मीन्स बॉडी, थैलस। वहीं डायोसियस, डाई मीन्स हो गया डिफरेंट या टू, इसियस मीन्स बॉडी,
दैट मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड ऑन द सेपरेट थैली या बॉडीज। इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है अलग अलग बॉडी पर पाए जाते हैं, और इस तरह के जो है डायोसिस प्लांट जो है देखने को मिलता है, जैसे पपाया भी है, पपीता है, फिर जो है फैन पाल, इसमें देखते हैं कि मेल और फीमेल प्लांट जो अलग अलग होते हैं। वहीं आगे देखते हैं फ्लावर की बात करते हैं, तो फ्लावर जो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के पार्ट एक ही पाए जाते हैं, कुछ में क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर स्टामिनेट और पिस्टिलेट जो है, तो इसमें देखते हैं स्टामिनेट जो है ओनली स्टामेन प्रजेंट इन फ्लावर, जब फूल में सिर्फ स्टामेन पाए जाते हों तो ऐसे फ्लावर को स्टामिनेट कहते हैं। वहीं पिस्टिलेट की बात करते हैं तो ओनली कार्पेल प्रजेंट इन ए फ्लावर, और फूल में जब सिर्फ कार्पेल पाया जाता है तो उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। यहाँ पर हम बतला चुके हैं अभी इसमें कि यह स्टामिन जो है यह मेल पार्ट है, जबकि कार्पेल जो है वह फीमेल भाग है, और यह स्टामिनेट और पिस्टिलेट जो है यह यूनिसेक्सुअल फ्लावर को भी दर्शाता है। वहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं तो बोथ स्टामिन एंड कार्पेल प्रेजेंट इन ए फ्लावर, इस केस में एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट यानी स्टामिन और कार्पेल दोनों पाए जाते हैं। एनिमल की हम बात करें तो एनिमल में भी एनिमल जनरली जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं बाइसेक्सुअल भी होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल कहते हैं जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं, तो वह यूनिसेक्सुअल एनिमल कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं कि बाइसेक्सुअल जो है या हर्माफ्रोडाइट एनिमल जो है बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड इन सेम बॉडी, जब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो यह बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट एनिमल कहलाता है। अर्थवर्म है, स्पॉन्ज है, टैप वर्म है, लीच, ये जो पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, तो ये सब जो है बाइसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं। या जो है वही यूनिसेक्सुअल एनिमल जो है काउ है, डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, वह जो है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। इसके कुछ हम एग्जांपल जो है डायग्राम के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है अर्थवर्म है, और इस यह अर्थवर्म जो है हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस और ओवरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह जो है टेस्टिस और ओवरी है, तो ये टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन है, ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थवर्म जो है यह बाइसेक्सुअल एनिमल है। वहीं कॉकरोच की बात करते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में त्रिचट्टा भी बोलते हैं, यह मेल कॉकरोच है, यहाँ पर जो फीमेल है इसमें टेस्टिस जो है यह दिखलाया गया है। वहीं देखते हैं कि यह जो है फीमेल कॉकरोच है जिसका क्या है ओवरी है, तो इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कॉकरोच जो है यह यूनिसेक्सुअल है। वहीं ये प्लांट जो है काढ़ा है, जिसमें देख रहे हैं कि इसका जो है यह फीमेल सेक्स ऑर्गन जो यूगोनियम है और मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम है, और दोनों एक ही बॉडी पर पाए जाते हैं, तो यह जो है होमोथैलिक होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो देख रहे हैं कि ये जो है यह जो है ब्रायोफाइटा है, मार्किन ब्रायोफाइटा में भी मार्किन्सिया है, इसमें यह जो है ये थैलस जो है फीमेल थैलस है, इस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम डेवलप करते हैं और जिसके ब्रांच को आर्किगोनियम फोर कहते हैं। वहीं मेल थैलस जो है इसके मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और इसके ब्रांच को एंथ्रीडियो फोर कहते हैं, और इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है अलग अलग थैलस पर बनते हैं, तो ये
दोनों जो है थैला जो है डायोसिस को दर्शाता है, और साथ साथ यहाँ पर यह यूनिसेक्सुअल भी है। और वहीं देखते हैं कि यह फ्लावर जो है इसमें यह भाग जो है स्टामेन है और ये भाग कार्पेल है। स्टामेन जो है फ्लावर का मेल पार्ट होता है, कार्पेल जो है फ्लावर का फीमेल भाग है, और इस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यह फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो आज की हम इस वीडियो में जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के टाइप जो हैं होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स, साथ ही साथ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जांपल जो है डायग्राम के रूप में भी देखें, और लगता है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स।